राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से कल से शुरू होने जा रहे महंगाई राहत कैंप को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने पत्रकार वार्ता में महंगाई राहत कैंप, प्रदेश में बढ़ते आत्महत्या के मामले और कांग्रेस विधायकों के अपनी ही सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साढ़े छह महीने पहले महंगाई राहत कैंप लगाकर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटने का काम कल से प्रारंभ कर रही है। राजस्थान के लोगों से वादा किया था कि वो प्रदेश के अंदर महंगाई नियंत्रण हेतु आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएंगे। देर आए दुरुस्त आए, चार साल चार महीने तक सरकार को याद दिया है जन घोषणा पत्र में उन्होंने राजस्थान में महंगाई नियंत्रण के लिए कदम उठाए थे, उस पर वो कोई योजना बनाते। सरकार के रवैये के कारण से सरकार पर आरोप लगाते हुए कभी किसान सोनलाल क्रेडिट आत्महत्या करता है, वीडियो जारी करता है, सुरजारा करता है, टीचर ग्रेड सेकेंड की परीक्षा रद्द हुई, हनुमानगढ़ के बंदरपुरा के आज कन्हैयालाल पारिक आत्महत्या करके वीडियो जारी करके कहता है सरकार अपने पिताजी को माफ कर मान पूरा नहीं कर सका क्योंकि एक बार फिर पेपर लीक हो गया। कभी भी सरकार में हंसराज बावलिया वकील बावलिया रिंगर्स के अंदर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे एसडीओ की शिकायत की, मुझे पुलिस ने प्रताड़ित किया, मैं जान दे रहा हूँ। कभी संत विजयदास जो 503 दिन के धरने के बाद कृष्ण क्षेत्र के अंदर जब खनन जारी रहता है तो अपने जीवन को समाप्त करता है, रामप्रसाद मीणा और संजय पांडे की आत्महत्या सामने खड़ी है। जो आज तक सरकार अपनों से घिरी हुई सरकार है, मेरी मांग है सरकार पहले खुद को सस्ता करे, अपने पूरे सिस्टम में सस्ता कर भ्रष्टाचार को कम करे। सरकार पहले राहत पाए तो अपनों से राहत पाए, जो रोज इनको घेरते हैं, कभी इनके मंत्री बोलते हैं, कभी इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं, इसलिए इनसे किसी प्रकार का राहत मिलेगी नहीं और ये जनता को परेशान करने का सरकार का करते रहेगा।